नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। आज का दिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लगातार अनेकों दिनों से विकास के कामों को अंजाम हम लोग दे रहे थे। पहले मध्य प्रदेश में हमने विकास यात्राएं निकाली। विकास यात्राओं में हमारे सांसद, विधायक और बाकी मित्रों ने कई विकास के कामों का शिलान्यास, लोकार्पण किया। फिर हमने विकास पर्व मनाया। उस विकास पर्व के दौरान भी कई कामों का लोकार्पण भी हुआ और शिलान्यास भी हुआ, लेकिन कामों की संख्या काफी अधिक थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश ने जन कल्याण के काम करते हुए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाने का काम किया, लगातार बढ़ाने का काम किया। और एक मापदंड होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जीएसडीपी के 4% तक होना चाहिए। हमने उस मापदंड का पालन किया, बल्कि उससे ज्यादा खर्च किया। और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं पर काम हो रहा है। पीने के पानी के लिए आप देख रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के काम लगातार चल रहे हैं और नई योजनाएं स्वीकृत होती चली जा रही है। सड़कों का जाल गांव और शहरों में बिछड़ा है। ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नए महाविद्यालय बनना हो, मेडिकल कॉलेजेज बनना हो, आईटीआई बनना हो, छात्रावास बनना हो, आश्रमशालाएं बनना हो, कन्या शिक्षा परिसर बनना हो, पुल पुलिया बनना हो, अस्पताल बनना हो, चारों तरफ विकास के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। एक विकास की गंगा बह रही है और आज ही हमने अलग अलग विभागों के विकास के कामों का यहाँ रविंद्र भवन से बीच में हर स्थान पर जनता को जोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास का काम संपन्न हुआ है। आज 18 विभाग के लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, उच्च शिक्षा विभाग, नगरी विकास विभाग, श्रम विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी पीएचई, सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, जल संसाधन, नर्मदा घाटी, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जनजाति कार्य विभाग, संस्कृति और पर्यटन विभाग, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग, इन विभागों के 12,301 कामों का लोकार्पण किया है। लोकार्पण मतलब ये काम पूरे हुए हैं, जिसकी लागत है 7,958 करोड़ 79 लाख रुपया। इसके साथ साथ इन्हीं विभागों के 2,570 कामों का भूमि पूजन किया है, जिनकी लागत है 45,479 करोड़ 84 लाख रुपया। कुल अगर हम देखेंगे तो 14,871 काम, जिनकी कुल लागत है 53,438 करोड़ 63 लाख रुपया, उनका लोकार्पण या भूमि पूजन का काम संपन्न हुआ है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि विकास की एक नई गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बहाने का प्रयास किया है जनता के आशीर्वाद से। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। उनका मार्गदर्शन और केंद्र सरकार का सहयोग सदैव इन कामों को मिला है। अपने मंत्रिपरिषद की टीम को भी और अधिकारी मित्रों की टीम को भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि टीम मध्य प्रदेश ने ही मिलकर ये सारे काम संपन्न किए हैं। सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे नगरीय क्षेत्रों के हों और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के त्रिस्तरीय पंचायती राज के हों, उनको भी बधाई देता हूँ।